हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों एपी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 57। दोस्तों एक तो जनरल टर्म का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जो इस क्वेश्चन में यूज होना है। और ज्यादातर बिकॉज इसमें सम की बात नहीं कर रहे तो सम टू फर्स्ट एन टर्म्स यूज नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, एट टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ द सेकेंड टर्म, एट टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ द सेकेंड टर्म। क्वेश्चन में आगे लिखा है इलेवन टर्म एक्सीड्स, मतलब ज्यादा है, वन थर्ड ऑफ इट्स फोर टर्म बाय वन। गॉट इट? एक बार दोबारा समझ लेते हैं। एट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू हाफ द सेकेंड टर्म, 11 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स यानी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वन थर्ड ऑफ फोर टर्म बाय वन। व्हाट इज ए एट, दैट इज ए प्लस 7d। व्हाट इज ए टू, ए टू इज ए प्लस डी अपॉन टू। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, टू को यहां ले आते हैं, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू ए प्लस डी, दैट इज ए प्लस 13d इज इक्वल टू जीरो। आइए दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज ए इलेवन, ए इलेवन इज इक्वल टू ए फोर अपॉन थ्री प्लस वन। हम थ्री से एलसीएम देखते हैं, ए इलेवन इज इक्वल टू ए फोर प्लस थ्री अपॉन थ्री। व्हाट इज, हाउ टू ओपन ए इलेवन, ए इलेवन इज ए प्लस 10d और ये हो गया ए प्लस, ए फोर इज ए प्लस 3d प्लस थ्री अपॉन थ्री। थ्री से एलसीएम लेंगे। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको ए एन बताया, हमने देखिए यहाँ ए एट खोला इसी फॉर्मूले से, ए टू खोला इसी फॉर्मूले से, ए इलेवन खोला दोस्तों इसी फॉर्मूले से, और ए फोर भी खोला हमने इसी फॉर्मूले से। अब सिंपल ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, टू वेरिएबल, वन वेरिएबल इज ए एंड सेकेंड वेरिएबल इज डी। तो ये हो गया 3a प्लस 30d इज इक्वल टू ए प्लस 3d प्लस 3, दैट इज 2a प्लस 27d इज इक्वल टू 3। ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। यदि आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका हो जाएगा 2a प्लस 26g इज इक्वल टू 0, और ये आपका है 2a प्लस 27d इज इक्वल टू 3। अब माइनस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, कट गया, माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी दोस्तों, 3। इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी हेयर यू विल गेट ए प्लस 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस 39। क्वेश्चन में आपको निकालना है 15 टर्म, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए लिख के करते हैं, ए प्लस 15 माइनस 1d, दैट इज ए प्लस 14d, वी हैव द वैल्यू ऑफ ए माइनस 39, वी हैव द वैल्यू ऑफ डी दैट इज 3, तो 14 इंटू 3 42। आइए लिख लेते हैं, थोड़े से भी एक्साइटमेंट की आपको जरूरत है। हाँ, खुशी बिल्कुल होती है कि हमारा आंसर आने वाला है, बट एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, आराम से चेक करिए। द ए 15 इज 3। गॉट इट? गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। आने वाले हफ्तों में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एपी का पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। इसको लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों को फायदा हो। गॉड ब्लेस।